Welcome in the lecture series on atomic structure, and this is part 12 where we will discuss about the effective nuclear charge and screening or shielding effect. तो आपका स्वागत है बच्चों इस एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर की सीरीज में. ये पार्ट 12 हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में. और इस यूनिट को जब आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्यों साइज छोटा होता है किसी एलिमेंट का, या स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से किसी एटॉमिक एलिमेंट का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है. तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हमें पता चलेगा कि ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और शील्डिंग इफेक्ट है, ये कैसे अफेक्ट करते हैं साइज ऑफ एन एलिमेंट को. और वी विल डिस्कस अबाउट द शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में. शील्डिंग, आप जानते हैं शील्ड जो बचाता है, ओके. तो यहां पर भी आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनर साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं. वो कैसे हम होता है हम बताएंगे. सो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम कैन शील्ड ईच अदर. जो इलेक्ट्रॉन्स एटम में प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे को शील्ड करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं शील्ड, उसको ढक लेते हैं. एंड दस डिक्रीजेस द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. तो उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को शील्ड करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये एक और सबशेल है और ये एक सबशेल है, ओके. तो इन दोनों सबशेल में अगर आप देखेंगे तो और भी सबशेल होंगे इसमें, ठीक है. तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है और जो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे को शील्ड करते हैं. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस को और को उतना अट्रैक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि क्या होता है जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये शील्ड करते हैं, इसको ढक लेते हैं, इसको डायरेक्ट इस न्यूक्लियस की अप्रोच में आने नहीं देते. इसे हम कहते हैं शील्डिंग. तो दिस इज द शील्डिंग इफेक्ट. जो इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर जो ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रोक ते उनको शील्ड करते हैं और या उनको रिपेल करते हैं. तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्शन था उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट द अट्रैक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इन एन एटम डिक्रीजेस when the atom is having more than one shell. तो जब एक से अधिक shell होंगे तो ये जो shielding है, shielding की वजह से क्या होगा, जो outer electron होगा वो nucleus की ओर को उसका attraction क्या होगा, कम होगा, okay. तो इसी को हम क्या कहते हैं, shielding effect. And more the number of shells the greater will be the shielding effect experienced by the outermost electron. तो ये आपको समझना पड़ेगा जो screening effect है या जो shielding effect है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा झेलते हैं. और जितने ये शेल बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उतना ही अधिक क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट. और उतना मुश्किल होगा इस इलेक्ट्रॉन के लिए इस न्यूक्लियस की ओर को अट्रैक्ट हो पाना. शील्डिंग इफेक्ट को देखें या स्क्रीनिंग इफेक्ट को देखें, दोनों एक ही बात है. तो ये क्या एक्सप्लेन कर सकता है, सो ये एक्सप्लेन करता है व्हाई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इजीली रिमूव्ड फ्रॉम द एटम. तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को देखें, उनका अरेंजमेंट, तो ये एक ऑर्बिटल है, देन एक ऑर्बिटल, देन एक ऑर्बिटल. अब जो इलेक्ट्रॉन इस शेल में होगा, वैलेंस शेल में आउटर इलेक्ट्रॉन जो होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस की ओर को इतना अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो सकता है क्योंकि ये न्यूक्लियस की ओर को उतना अट्रैक्टेड नहीं है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, हम ये बता सकते हैं व्हाई दीज इलेक्ट्रॉन्स दे कैन इजिली रिमूव्ड, ओके.
फिर हम क्या बता सकते हैं, व्हेन द अट्रैक्शन इज स्ट्रांग द न्यूक्लियस कैन ट्विन पुल द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली। तो अगर ये जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अगर ये अट्रैक्शन अधिक होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होगा, और अगर ये बॉन्ड वीक होगा, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है अगर ये वीक होगा तो ये आसानी से बाहर निकल सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर शील्डिंग इफेक्ट अधिक होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ कम अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस के साथ, तो इट कैन बी इजीली रिमूव्ड। ओके, तो द मोर शील्डिंग इफेक्ट लेस अट्रैक्शन, तो जितना इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शील्डिंग होगी उतना आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्टेड होगा, और ये आप देखेंगे कि साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से उतना अट्रैक्टेड नहीं है जितना ये वाला। तो ये क्योंकि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, अब इसको दूर कर रहा है, इसको दूर करते जा रहा है, इसको दूर करते जा रहा है, तो इसलिए इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट पड़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट कैसे बढ़ता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे ये रिपल्शन बढ़ेगा, और ये रिपल्शन कहलाता है जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स से हैं दे रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। इसकी वजह से जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ कम अट्रैक्ट रहता है, इसलिए साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, तो आपने ये समझ लिया कि जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना बड़ा साइज होगा, जितना कम शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना छोटा साइज होगा। से आपने देखा कि जो फैक्टर्स कौन सा इफेक्ट कर सकता है शील्डिंग इफेक्ट को, तो कौन सा फैक्टर है, देखिए पहला जो फैक्टर है वो है इनर शेल इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट विल इंक्रीज। तो देखिए यहाँ पर लिथियम है, यहाँ पर देखिए आप जो इनर शेल है वो एक था, यहां पर देखिए दो है, देन थ्री, देन फोर, देन फाइव, इस तरीके से आप देखेंगे इनर शेल इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे इनर शेल इंक्रीज होंगे, देखिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है इसको ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको रिपेल करेंगे, जिससे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस की ओर को कम अट्रैक्टेड, दूर होता जा रहा, देखिए ये दूर हो रहा है, तो इसके दूरी की वजह से क्या होगा, ये न्यूक्लियस से कम अट्रैक्टेड होगा और इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे यानी एन की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो शील्डिंग इफेक्ट है दैट विल इंक्रीज। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाएंगे, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट द साइज ऑफ द एलिमेंट विल इंक्रीज। Which affects the shielding effect is the occupied orbitals. दूसरा जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है शील्डिंग इफेक्ट को वो है ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो अफेक्ट करता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे अंदर वाले ऑर्बिटल में होगा तो वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस की ओर को, और सबसे अंदर कौन होता है, एस ऑर्बिटल, फिर कौन होता है, पी ऑर्बिटल, देन डी, देन एफ। एफ जो है वो सबसे दूर होता है न्यूक्लियस के, तो अगर हम देखेंगे डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन जो एस ऑर्बिटल है उसकी सबसे ज्यादा है, तो क्योंकि एस ऑर्बिटल की डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन सबसे अधिक है इसलिए इसकी शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होगा, यह सबसे कम शील्डिंग करेगा। ओके, और जो एन एफ जो एफ ऑर्बिटल है वो सबसे ज्यादा शील्डिंग करेंगे क्योंकि बहुत दूर है, तो वो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा शो करेंगे। तो जो ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हैं दे ऑल्सो अफेक्ट द शील्डिंग इफेक्ट। Think you understand easily the effective nuclear charge. आपने समझा शील्डिंग इफेक्ट, एक्चुअली हमने शील्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा। अब ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट है इसकी क्या कंसीक्वेंसेस है, इसके कंसीक्वेंसेस हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, सो व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं, यहां पर आप देखिए ये जो एग्जांपल दिया है, यहां पर इस सेंटर में न्यूक्लियस है,
ये जो ग्रीन कलर से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट है इनर साइड में, ओके। और यहाँ पर जो क्लाउड है ये क्लाउड है आउटर इलेक्ट्रॉन्स का, ओके। तो आप ये देखेंगे कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिपेल दीज इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ये रिपेल करेंगे। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस की ओर को कम अट्रैक्टेड होगा, और जो यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस की ओर को अधिक अट्रैक्टेड होगा। तो आप ये देखेंगे एक्चुअली क्या है, मान लीजिए कि हम अगर बात करें कार्बन की थोड़ी देर के लिए, ओके। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 1s2 2s2 and 2p2, ओके। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो अगर हम देखें तो एक शेल ये है और एक शेल ये है, तो ये तो बहुत छोटा एलिमेंट है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि इसके केवल दो शेल इसमें हैं, फिर भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन, अब देखिए इसका जो इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर है, प्रोटॉन का नंबर है, वो कितना है, 6 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। यानी यही इसमें प्रोटॉन होंगे और यही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। सो दिस इज द न्यूक्लियर चार्ज, ये न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है, 6 चार्ज, ओके। अब मैंने आपसे ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है ये रिपेल करते हैं, इसको रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने से क्या होगा कि इस जो एस में और जो पी में इलेक्ट्रॉन है इनको कितना न्यूक्लियर चार्ज फील करना चाहिए, 6, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 6 है, लेकिन ये 6 फील नहीं करते हैं, 6 से कुछ कम फील करते हैं। तो जो 6 से कम फील करते हैं उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऐसे अगर हम 1s के जो इलेक्ट्रॉन है अगर उनको देखेंगे तो वो भी 6 पूरा फील नहीं करता है, जबकि वो बिल्कुल न्यूक्लियस के नजदीक है, तो वो 6 न्यूक्लियर चार्ज को फील नहीं करेंगे, उससे कुछ कम फील करेंगे। तो जो वो फील करेंगे, एक्चुअली इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो 6 था, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन्स फील कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज वो 6 से कम है, और जो बाहर के ऑर्बिटल हैं वो और भी कम फील करेंगे, और जो अंदर के ऑर्बिटल हैं वो थोड़ा अधिक न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे। तो जो वो फील करेंगे उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, जहां पर जेड क्या है, दिस इज द न्यूक्लियर चार्ज, ये न्यूक्लियर चार्ज है, एक्चुअल में जो चार्ज है वो जेड है, एंड सिग्मा इज द स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट और शील्डिंग कॉन्स्टेंट। तो ये शील्डिंग कॉन्स्टेंट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो किसकी वजह से है, इस स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट की वजह से ही कम आ रहा है। तो ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है वो हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होगा, इसलिए ये ऑर्बिटल कुछ और इस जेड इफेक्टिव फील करते हैं, और ये जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो कुछ और जेड इफेक्टिव फील करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर हमें ये पता होगा कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है, तो शील्डिंग इफेक्ट का जो रिजल्ट है वो ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको फील नहीं करता है, उससे कुछ कम फील करते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के चारों ओर, उसको हम क्या कह रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके। तो आपने देखा इस तरीके से इस लेक्चर में हमने कोशिश की जानने की कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट इज द शील्डिंग ऑफ और द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल बाय द इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ये शील्डिंग इफेक्ट है, इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे फील लेस न्यूक्लियर चार्ज, एंड दिस लेस न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वेयर यू विल फाइंड दैट इफ यू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाय स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट देन वी कैन इजिली कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव। तब हम जेड इफेक्टिव इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, और जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जेड इफेक्टिव किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से आप देखेंगे हम बहुत कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे, ओके। ऑल अबाउट दिस शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट द स्लेटर्स रूल
दैट इज हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने में हेल्पफुल है स्लेटर्स रूल. उसकी हेल्प से हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट कैलकुलेट कर पाएंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.